एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। मैंने आपको अपने थर्ड वीडियो में हैंड से इन वैल्यूज को निकालना सिखाया था, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 60 की वैल्यूज को अपने हैंड पे सिखाया था कि इनकी वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है। तो साइन 60 वैल्यू इज √3/2, कॉस 30 वैल्यू इज √3/2। साइन 60 और कॉस 30 के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, प्लस साइन 30 और कॉस 60, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी क्या है 1/2। अब मल्टीप्लाई कीजिए, √3 × √3 इज 3 अपॉन 2 × 2 इज प्लस 1 × 1 इज 1 एंड 2 × 2 इज 4, 3 + 1 इक्वल्स टू 4/4 इज 1। नाउ कम टू पार्ट सेकेंड, टू 10² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 10 45 वैल्यू ऑफ 10 45 इज 1/2, 10² 45 मीन्स 10 45 की वैल्यू क्या है 1² प्लस कॉस 30 वैल्यू इज √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 वैल्यू इज √3/2 स्क्वायर। 1² इज 1, 1 × 2 इज 2 प्लस √3² √3² मीन्स √3 × √3 और 2² इज 2 × 2 माइनस √3² √3² मीन्स √3 × √3 2² इज 2 × 2 2 प्लस √3 × √3 इज 2 × 2 is 4 minus √3 × √3 is 3, 2 × 2 is 4, 3/4 cancel, it means answer is 2. Next, third, cos 45 upon sec 30 plus cosec 30, cos 45 is 1/√2, sec 30, 2/√3 and cosec 30 is आप 2 के नीचे क्या लिख सकते हो 1/√2। अब आप नीचे ये जो पूरा डिनोमिनेटर है उसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा एलसीएम लीजिए, क्या होगा √3 की टेबल में √3 1 से ऊपर 2 को क्या करोगे मल्टीप्लाई मीन्स 2, 1 की टेबल में √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे √2 √3। अब आप इसको नीचे जो टर्म है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या होगा 1/√2 इन रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर दीजिए आप उसको √3/2 + 2√3। अब आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए √3 × √2 ब्रैकेट 2 + 2√3 √3 ब्रैकेट को ओपन कीजिए क्या आएगा 2√2 प्लस अब ओपन कीजिए 2√6। अब आप रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में क्या रहता है प्लस साइन क्या हो जाता है माइनस और माइनस साइन क्या हो जाता है प्लस इंटू 2√2 − 2√6 अपॉन 2√2 − 2√6। अब आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए और नीचे देखिए क्या है ये a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी क्या होता है a² − b² √3 √3 को आपको पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना 2√2 − 2√6 और आप डिनोमिनेटर में देखिए a प्लस बी और क्या है a − b a + b a − b इज a² − b² 2√2 होल स्क्वायर माइनस b इज 2√6 2√6 होल स्क्वायर। नाउ ओपन द ब्रैकेट 2√6
माइनस 2 अंडर रूट 18 अपॉन 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, इट मींस 2 टाइम्स आप लिखिए 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 इंटू 2 अंडर रूट 6। अभी आपको मैंने पहले सिखा दी थी 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, 2 टू 4 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज 2, इट मींस 8। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। और आपको मैंने अंडर रूट्स की वैल्यू निकालना सिखाया है पहले भी, अंडर रूट 18 इट मींस 2, जिसका पेयर बन जाता है वो हमेशा बाहर, इट मींस इसका आंसर क्या होगा 3 अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 16 माइनस 2 अंडर रूट 18 को अभी लेकिन अभी बताया कैसे सॉल्व करना, इंटू 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 माइनस 2 टू जा 4 और अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 इज 6, 6 4 जा 24, 2 अंडर रूट 6 माइनस 6 अंडर रूट 2 अपॉन 8 माइनस 24 इज माइनस 16। अब आप 2 को बाहर कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 बाहर निकाला तो अंदर है अंडर रूट 6, 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स, 3 अंडर रूट 2 अपॉन माइनस 16। अब आप कट कर सकते हो, आंसर इज अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन माइनस 8। अब ऊपर जो न्यूमरेटर में है वहां से आप कॉमन ले लीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, जब हम बाहर माइनस को ले लेते हैं तो अंदर प्लस क्या हो जाता है माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो अंडर रूट 6 क्या हो जाएगा, ये प्लस है अंडर रूट 6 तो वो माइनस हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2 क्या है माइनस वो क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 अपॉन माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर इज 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8।